Done. क्या है? सेंटर में है ना? सब दिख रहा है ना? टेढ़ा है ना, वो सीधा हो जाएगा, वो नया हो जाता है। वीडियो में देखना सीधा ही आएगा, ठीक है? क्या बात कर रहे थे हम लोग? आज हमको पढ़नी है फ्लोरल फैमिलीज, ठीक है? फैमिलीज पढ़ना है आज। फैमिलीज के बारे में कहां तक है, क्या बात करते हैं? तीन फैमिलीज आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। पहली फैमिली है फेबिएसी, ठीक है? लेग्यूमिनस प्लांट्स आते हैं जिसमें। लेग्यूमिनस प्लांट मैंने बताया था क्या क्या होते हैं? ये फलीदार फसलें है ना, फलीदार फसलें जिनमें फलियां आती हैं। यहीं पर हमने पढ़ा था, याद करो, राइजोबियम, याद आ रहा है? राइजोबियम जो इन्हीं फलीदार फसलों के कहां पे मिलता है? बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया इन्हीं फलीदार फसलों के रूट्स में मिलता है। कहां मिलता है? रूट नोड्यूल्स में मिलता है। और क्या काम करता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया इनके लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद आ रहा है? क्या होता है इनके पास खास कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं? चैप्टर सेकंड रिवाइज, हेटरोसिस्ट होता है ना इनके पास, हेटरोसिस्ट, जिसकी मदद से ये क्या कर पाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। क्लियर हुआ ये? फेबिएसी में थोड़ा सा बैकड्रॉप देखो क्या है। फेबिएसी को पहले पैपिलियोनेसी बोलते थे, ठीक है, विच इज द सब फैमिली ऑफ लेग्यूम, लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनेसी। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें आ जाएंगे आपके ट्रीज भी हो सकते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं, हर्ब्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके रूट्स में बोला गया जैसे रूट नोड्यूल्स होगा, और रूट नोड्यूल्स बनते हैं किसकी मदद से? राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से। स्टेम सीधा रहेगा, कई क्लाइंबर भी हो सकते हैं जैसे पी जैसे। लीव्स की जहां तक बात है, किसकी बात करें अगर? लीव्स की अगर मैं बात करूं तो लीव्स कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट लीव हम पढ़ के आए हैं, ऐसा है ना। इसमें पूरा ये पढ़ने से पहले आपको पूरा पिछला चैप्टर आपके सामने होना चाहिए, मैंने कल भी बताया आपको, है ना, तभी ये समझ आएगा। क्योंकि देखोगे सारे वर्ड्स दोबारा रिवाइज होते हैं ना, वर्ड्स का ही तो खेल है इस चैप्टर में, ठीक है? इसको बंद कर दिया, राइट? तो कहाँ बैठ, वहां बैठ जाओ, स्पेस स्पेस। इस पे बैठ जा, हाँ उधर बैठ। कोई बात, देखो आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। क्या बात कर रहे थे? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं? ट्रीज होंगे, शर्ब्स होंगे, हर्ब्स होंगे, रूट्स हो सकते हैं, रूट्स विद रूट नोड्यूल्स, ठीक है। स्टेम कैसा होगा? इरेक्ट होगा, और क्लाइंबर भी हो सकते हैं। लीव्स कैसे होंगे? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट में हम बोलते हैं कि भाई एक ऑल्टरनेट लीव्स कैसी होती हैं? एक नोड पे एक ही लीफ आएगा, उसे ही तो ऑल्टरनेट बोलते हैं। कैसे लीव्स होंगे यहाँ पे? कंपाउंड लीव्स होंगे। तो कैसा कंपाउंड लीव्स? कंपिनेटली कंपाउंड लीव्स, मतलब कॉमन एक्सिस पे। लीफ बेस कैसा रहेगा? पल्विनेट, पल्विनेट मतलब स्वॉलन, ये सारी बातें कर चुके हैं। स्टिप्यूलेट, छोटा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर अगर लीफ के एंड में देखने को मिलता है बिल्कुल लीफ बेस पे, उसको स्टिप्यूल बोलते हैं, और स्टिप्यूल किसी के पास हो तो उसे स्टिप्यूलेट बोलते हैं। विनेशन कैसा है? रेटिकुलेट, रेटिकुलेट विनेशन मतलब नेटवर्क, नेटवर्क जैसा विनेशन। फ्लोरल कैरेक्टर्स में कैसा इन्फ्लोरेसेंस है? रेसिमोज, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस हमने बोला था। रेसिमोज कैसा इन्फ्लोरेसेंस होता है? रेसिमोज मतलब वो इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस है ना, एक्रोपेटल सक्सेशन बोलते हैं जिसे आप, है ना, रेसिमोज। फ्लावर कैसा हो सकता है? बाइसेक्सुअल, फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। और सिमिट्री कैसी होगी? जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइसेक्सुअल। सेपल्स कितने होंगे? पांच, और पांच क्या होंगे, पांचों क्या होंगे? यूनाइटेड होंगे, यूनाइटेड होंगे तो क्या बोलोगे इसे आप? गैमोसेपैलस। एस्टिवेशन कैसा है?
वेलवेट मतलब फ्लोरल फ्लोरल पार्ट्स आर टचिंग ईच अदर बट दे आर नॉट ओवरलैपिंग. इम्ब्रिकेट भी हो सकता है. इम्ब्रिकेट में हमने क्या बोला था कि भाई ओवरलैपिंग है लेकिन बिना किसी पैटर्न के. एस्टिवेशन इस तरह का. फ्लोरल पेटल्स, पेटल्स फ्री होंगे. फ्री होंगे इसलिए बोला पांच होंगे. फ्री होंगे इसलिए बोला पॉलीपेटलस. पैपिलिनेसी फैमिली से तो आ ही रहा है. साथ के साथ वेक्सिलरी एस्टिवेशन भी हो सकता है इसके पास. वेक्सिलरी मतलब एक लार्ज होगा, पांच पेटल्स होंगे. एक लार्ज होगा जो दो साइड वालों को लेटरल पेटल्स को ओवरलैप करेगा और वो दो ओवरलैप करेंगे किसको? वो दो ओवरलैप करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वाले को जिनको क्या बोलते हैं? कील. ठीक है. फिर आया इसका फ्लोरल फॉर्मूला जो सेम वही चीज डिस्क्राइब करेगा. देखना क्या बोला. जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, गैमोसेपैलस, पांच होंगे सेपल और कोरोला. कोरोला कोरोला 1+2+2 पॉलीपेटालस है और इसमें तीन वर्ल्स में मिलेगा कोरोला. ठीक है. एंड्रोशियम कितने हैं? एंड्रोशियम आपको दो वर्ल में देखने को मिलेगा. एक नाइन एक साथ होंगे और वन एक साथ होगा. गाइनोशियम कितना होगा, कैसा होगा? हाइपोगाइनस. लिखा है हमने कहीं, लिख लो. ये है ना हाइपोगाइनस ओवरी. हाइपोगाइनस ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी. तभी तो जी के नीचे क्या दिया हुआ है, हमने अंडरलाइन दिया हुआ है. मोनोकार्पलरी कैसा होगा? ये मोनोकार्पलरी. तभी वन दिया हुआ है. अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? जितनी भी दाल होती है सब इसमें आ जाएंगी. तो एडिबल सोर्स ऑफ फूड, एडिबल ऑयल मिलता है हमें यहाँ से, जैसे कि सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सब यहाँ से मिलेगा. और क्या है? ऑर्नामेंटल्स यहाँ से मिलेंगे, साज सजावट का सामान, कई तरह के फूल मिलेंगे, है ना. फूल आप घरों में सजाने के लिए, गजरा लगाने के लिए ये सब यूज करते हैं ना. मेडिसिन, मेडिसिन में क्या आ जाएगा? मुलेठी. मुलेठी पता है आपको क्या होता है? मुलेठी एक तरह का मेडिसिन होता है जो संगीतकार नहीं होते हैं वो लोग, या वैसे भी अगर आपका गला थोड़ा सा खराब हो, गला भारी हो रहा है तो मुलेठी चबा लो. ऐसे मसाले वाली दुकान पे मिल जाएगा. मुलेठी बोलोगे ना उसको, मुलेठी दे दे, मुलेठी समझ जाएगा वो. मुलेठी तो वो थोड़ा सा मीठा टेस्ट रहता है उसका. और गला जैसे विक्स खाते हैं ना हम लोग, विक्स खाने के बाद गला कैसा रह जाता है, क्या हो जाता है? ठंडा लगता है ना, थोड़ा सा बढ़िया लगता है. वैसे ही मुलेठी खाने के बाद भी लगता है. फॉडर, कई तरह का चारा मिलेगा यहाँ से. सिमरन, बढ़ाना चाहते हो आप तो चुप रहो आप. ठीक है. फॉर्डर, फॉर्डर में क्या बोला? चारा, चारा मिलता है यहाँ पे. और क्या है? फाइबर्स, कई तरह के फाइबर्स भी मिलेंगे. अभी नोट मत कर बेटा, अभी नोट मत कर, अभी सुनो बस. ठीक है, नोट करने का टाइम दूंगा मैं. समझ आया फेबिएसी? फेबिएसी में दोबारा से अगर देखें, फेबिएसी में क्या बोल रहा है? फलीदार फसलें आएंगी. पेपिलियोनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, विच इज द सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी. ट्री शर्ब्स, हर्ब्स विद रूट नोड्यूल्स, स्टेम इरेक्ट और क्लाइंबर. अल्टरनेट, पिननेट, लीफ बेस कैसा होगा? लीफ बेस कैसा होगा? पल्विनस. स्टिपुलेट होगा और रेटिकुलेट होगा. रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, फाइव सेपल्स, गैमोसेपैलस, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, वेलवेट भी हो सकता है और नीचे हमने देखा वेक्सिलरी भी हो सकता है. पेटल्स, पेटल्स कैसा? फाइव पेटल्स होंगे, पॉलीपेटालस होगा. फॉर फ्लोरल फॉर्मूला, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. नाउ वी आर कमिंग टू द सोलेनेसी, विच इज द पोटैटो फैमिली. पोटैटो फैमिली बोलते हैं जिसमें हर्ब्स हो सकते हैं, शर्ब्स हो सकते हैं और रेयरली बहुत छोटे ट्रीज होंगे. ठीक है, छोटे ट्रीज होंगे. यहाँ पे ट्रीज हो सकते हैं, यहाँ पे हर्ब्स और शर्ब्स और छोटे ट्रीज होंगे. ठीक है, कह रहा है कि स्टेम कैसे होंगे? एरियल. स्टेम्स कैसे होंगे? हवा में. इरेक्ट, सीधे होंगे. पोटैटो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमने पहले भी पढ़ा था. पोटैटो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था जिसमें अंडरग्राउंड स्टेम होती है. क्या होती है? अंडरग्राउंड स्टेम होती है. पोटैटो इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ना. और ये एक तरह का मॉडिफिकेशन है जो क्या कर रहा है? फूड स्टोरेज कर रहा है. ये एक तरह का मॉडिफिकेशन है जो क्या करके दे रहा है? फूड स्टोरेज करके दे रहा है. लीव्स कैसी है यहाँ पे? ऑल्टरनेट. लीव्स यहाँ भी ऑल्टरनेट. कंपेयर करोगे तो जल्दी याद होगा, मैं बताता हूँ. लीव्स यहाँ भी कैसी है? ऑल्टरनेट. यहाँ भी ऑल्टरनेट. वहां पिननेटली अरेंज थी, यहाँ भी पिननेट. सेम. एक्स स्टिपुलेट. एक्स स्टिपुलेट मतलब यहाँ पे स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं है. एस्टिवेशन कैसा है? रेटिकुलेट. सॉरी, विनेशन कैसा है? रेटिकुलेट. यहाँ विनेशन कैसा था? रेटिकुलेट. सेम है मोर और लेस. बाइसेक्सुअल. अब यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री. एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री. सेपल्स कितने हैं? पांच. और वो जुड़े हुए हैं मतलब गैमोसेपैलस. एस्टिवेशन कैसा?
चलो पोटैटो देख लो, तो यही बात कर रहे थे हम। पोटैटो फैमिली में क्या है, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, रेयरली स्मॉल ट्रीज हैं, स्टेम्स एरियल है, इरेक्ट है। पोटैटो इज द एग्जांपल ऑफ फूड स्टोरेज मॉडिफिकेशन जहां पर अंडरग्राउंड स्टेम देखने को मिलेगा। लीव्स कैसी हैं, ऑल्टरनेट है, सिंपल है, पिन्नेटली अरेंज्ड है, स्टिप्यूल नहीं होगा इसलिए एक्सस्टिपुलेट बोला है, रेटिकुलेट वेनेशन है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस मतलब बेसिपिटल अरेंजमेंट, यही हुआ ना, बेसिपिटल सक्सेशन। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। बायसेक्सुअल है, पांच सेपल्स होंगे, जुड़े हुए होंगे, गैमोसेपैलस। एस्टिवेशन कैसा होगा, वेलवेट मतलब फ्लोरल अपेंडेजेस आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर बट दे आर टचिंग ईच अदर। पेटल्स कैसे हैं, यूनाइटेड यानी गैमोपेटालस, और वो पेटल्स अटैच्ड है पांच स्टेमेन से इसलिए एपिपेटालस बोला, वेलवेट एस्टिवेशन। बाइकार्पलरी है, बाइकार्पलरी मतलब दो कार्पल्स होंगे, क्या वो जुड़े हुए होंगे ओवरीज, हाँ जैसा वहां दिखाया था आपको, ओवरीज जुड़े हुए होंगे तो क्या बोलेंगे, ओवरी विल एट द हाईएस्ट पोजिशन, यानी कि सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोगाइनस, क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस ओवरी। प्लेसेंटेशन कैसा है, एक्सिल प्लेसेंटेशन, एक्सिल प्लेसेंटेशन हमने देखा था एक्सिस पे होता है ना, ओव्यूल्स विल बी एट द एक्सिस, जैसे टमाटर में देखने को मिलता है, इसमें टमाटर इसलिए एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, टोमेटो इसमें आएगा एग्जाम्पल, टोमेटो वगैरह आएगा इसमें, ठीक है, इसमें टोमेटो, ब्रिंजल, ब्रिंजल भी ऐसे ही होता है ना। और फिर क्या बोला, फ्रूट्स में बेरीज आ जाती हैं, कैप्सूल्स आ जाती हैं। सीड्स कैसा रहेगा, एंडोस्पर्मस, सीड कैसा है, एंडोस्पर्मस। फ्लोरल फॉर्मूला भी वही कहता है, एक्टिनोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल, गैमोसेपैलस, गैमोपेटालस, एपिपेटालस, पांच 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 हैं, ये सब यूनाइटेड है, गैमोपेटालस, गैमोसेपैलस, गाइनोशियम दो होंगे, बाइकार्पलरी दोनों फ्यूज्ड होंगे इसलिए ब्रैकेट है, और नीचे हाइपोगाइनस। इसमें क्या क्या आ जाएगा, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये एडिबल है फूड, कई स्पाइसेस आ जाते हैं जैसे कि चिली, मिर्ची आ जाएगा इसमें। मेडिसिन जैसे एट्रोपा बेलोडोना, एट्रोपा बेलोडोना क्या होता है, धतूरा, धतूरा पता है, भांग बनाते हैं जिससे। अश्वगंधा, अश्वगंधा ठीक है, एंड फ्यूमिगेटरी प्रोडक्ट्स, फूकने वाले प्रोडक्ट्स, टोबैको ठीक है, एंड ऑर्नामेंटल्स, पेटूनिया मतलब वही अगर फ्लावर्स वगैरह आ जाएंगे इसमें, समझ आया। देन लिली फैमिली, लिली फैमिली लिलिएसी, लिली फैमिली को क्या बोलते हैं हम लोग, लिलिएसी। पेरेनियल हर्ब्स हैं मतलब सदाहरित, सदाबहार मतलब पूरे साल आपको देखने को मिलेंगे ये। विद अंडरग्राउंड बल्ब, बल्ब कॉर्न और राइजोम्स, ये सब क्या है, ये तीन नाम किस चीज के लिए हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए है। ये तीन नाम किसके लिए हैं बोलो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए ये तीन नाम है ठीक है, बल्ब, कॉर्म और राइजोम ठीक है। ऑल्टरनेट फ्लावर कैसे हैं, सॉरी लीव्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट में एक ऑल्टरनेट मतलब एक, तीनों में ऑल्टरनेट देखने को मिला शायद, इसमें भी इसमें है ना, तीनों में ऑल्टरनेट था। एक्स स्टिप्युलेट, कोई स्टिप्यूल नहीं है। पैरेलल विनेशन, अभी तक कैसा था, रेटिकुलेट विनेशन, यहां कैसा दिख रहा है, पैरेलल विनेशन। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस जैसा इसमें देखने को मिला कि एक टर्मिनल रहेगा, टर्मिनल फ्लावर होगा और जो फ्लावर्स बाकी ग्रो होंगे वो सब इधर 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 ग्रो होंगे ठीक है, यहीं इसी तरह से ग्रो होंगे, इसको बोलते हैं बेसिपिटल सक्सेशन है ना, बेसिपिटल सक्सेशन। फिर क्या बोला, बायसेक्सुअल है, बायसेक्सुअल फ्लावर है, ये भी बायसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेंगे। सिमिट्री कैसी होगी, रेडियल सिमिट्री, कैसी होगी, रेडियल सिमिट्री। क्या यहाँ पर सेपल और पेटल मिलेंगे क्या, नहीं, क्या मिलेगा फिर, टेपल, छह टेपल मिलेंगे विच इज पेरियंथ और तीन तीन के ग्रुप में मिलेंगे। एंड देन वेलवेट एस्टिवेशन, एस्टिवेशन कैसा है, वेलवेट, अगेन नॉट टचिंग, टचिंग ईच अदर बट नॉट ओवरलैपिंग। स्टेमिन कितने हैं, सिक्स हैं, तीन प्लस तीन के अरेंजमेंट में। और यहां पर एक वर्ड देखने को मिलेगा विच इज इंपॉर्टेंट, एपिटेपैलस, ये वर्ड नया है, नया क्या है, वही है, टेपल से जुड़ा हुआ है एंड्रोशियम तो एपिटेपैलस बोल दिया हमने, इसी को क्या पढ़ा था, एपिफाइलस। और याद करो एपिफाइलस का एग्जाम्पल क्या याद किया था हम लोगों ने, लिली, लिली फैमिली तो है। एपिपेटालस का एग्जाम्पल क्या याद किया था हमने, ब्रिंजल, ब्रिंजल जिसमें आ तो रहा है ना। फिर हम क्या बात करते हैं, ट्राइकार्पलरी, कितने कार्पल्स हैं, तीन, कितने, और क्या तीन ओवरीज जुड़े हुए हैं, हाँ सिनकार्पस।
ओवरी सुपीरियर है, यानी कि हाइपोगाइनस ओवरी। कैसा ओवरी है? हाइपोगाइनस ओवरी है। ट्राइलोक्यूलर, लोक्यूल क्या होता है? जैसे मान लो ओवरी ये है, ओवरी के अंदर जो स्पेस होता है, ओवरी के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोक्यूल बोलते हैं। उसके अंदर कितना स्पेस है, कितने लोक्यूल हैं? एक दो और तीन, तीन लोक्यूल्स हैं, तीन स्पेस है ना। तो ट्राइलोक्यूलर ओवरी, बहुत सारे ओव्यूल देखने को मिलेंगे। प्लेसेंटेशन कैसा होगा? ऑब्वियसली अगर इस तरह का है तो एक्सियल प्लेसेंटेशन तो देखने को मिलेगा ही, टमाटर की तरह होगा ना। लेकिन टमाटर इसका एग्जांपल नहीं है, इधर है टमाटर सोलैनम में। अच्छा, सीड कैसा है? एंडोस्पर्मस। एंडोस्पर्मस सीड्स का मतलब क्या, यहां पर एंडोस्पर्म होगा? क्या यहां एंडोस्पर्म होगा? हाँ, बचेगा। वही ब्रैक्ट्स होंगे यहाँ पे, तो ये ब्रैक्टिएट। प्लस का क्या मतलब है? एक्टिनोमॉर्फिक, इसका बायसेक्सुअल। पेरियांथ 3+3 के अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं, दे आर एपिटेपैलस या फिर एपिफाइलस। एंड्रोशियम यानी कि स्टेमिन 6 है 3+3 के अरेंजमेंट में। ट्राइकार्पलर ये और वो सिनकार्पस है। गुड ऑर्नामेंटल्स, अच्छे फ्लावर मिलते हैं यहाँ पे, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। सोर्सेज ऑफ मेडिसिन, एलोवेरा जो मिलता है, एलोवेरा एक तरह का मेडिसिन तो है ही। अच्छा, वेजिटेबल भी मिलता है जैसे एस्पैरागस, ये हम क्या बोलते हैं सैलेड वगैरह में यूज करते हैं। होटल 5-star होटल वगैरह में जाओगे ना, वो एस्पैरागस देते हैं तुमको, ठीक है। कॉल्चिसाइन, कॉल्चिसाइन एक केमिकल मिलता है विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड ऑल। कॉल्चिकम ऑटमनेल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो तीन फैमिलीज हैं, इनको कंपेयर करके हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तीन फैमिलीज तो ये हमने वो पढ़ी जो एनसीईआरटी ने गिवन है, तीन फैमिलीज अब वो पढ़नी है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तीन फैमिलीज और जो एनटीए ने ऐड की हैं। सिलेबस में ऐड हुआ है ना, तीन फैमिलीज और ऐड हो गई हैं, उनको हम लोग बात करेंगे मंडे को, ठीक है। तब तक के लिए कथा समाप्त, पढ़ो, ठीक है।